और दो तीन ब्लॉग शूट करूं, बनाऊं, बताऊं, दिखाऊं कि भाई अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें प्यार है तो यूट्यूब से है और किसी से नहीं है। क्योंकि एक यूट्यूब ही एक सहारा बन गया दोस्तों हमारा, क्योंकि लग रहा है कि भाई यहाँ से हम कामयाब होना चाहते हैं तो वहीं काम करेंगे ना, वहीं पे बात करेंगे ना। अब मुझे नीचे भी देखना पड़ रहा है दोस्तों, ये मत कह। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग पे, राजू कश्यप ब्लॉग। दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखते हो दोस्तों, ये जो लोकेशन है ना, इतनी प्यारी है, इतनी फेवरेट है, इतनी लकी है ये मेरी जगह। अभी तो मैंने फ़ोन जो ना माइक ले रखा है तो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर आ रही होगी। आज से मैंने एक साल पहले यूट्यूब ऐसे ही नॉर्मली कैमरे से करी थी, अभी तो मैंने माइक लगा रखा है और पूरा फ्रंट आ रहा होगा मेरा चेहरा बैकग्राउंड, क्योंकि मैंने इसमें माइक और स्टैंड लगा रखा है। तो ये वही लोकेशन है मेरी, यहाँ से मैंने यूट्यूब दोस्तों स्टार्ट किया था, समझ रहे हो। यूट्यूब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, क्योंकि यहाँ पे ना मेरे अलावा कोई नहीं है, अभी भी नहीं है और ना ही एक साल पहले था। देख रहे हो, मैं अकेला ही होता हूँ दोस्तों यहाँ पर, और मेरा ऑटो वहाँ पर खड़ा है, वो रहा, देख रहे हो ऑटो कितना दूर खड़ा करके आया हूँ। क्योंकि वहाँ से जो है लोग जाते हैं ना, थोड़ा कन्फ्यूज डिस्टर्ब करते हैं, और ये लोकेशन मेरी इतनी प्यारी है दोस्तों, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ना तो यहाँ पे ना तो बोलने से शर्माता, ना ही हिचकिचाता, और फुल क्लियर आवाज़ आती है, क्योंकि ये जो लोकेशन बड़ी प्यारी है दोस्तों मेरी। और मौसम भी आज इतना अच्छा हो रहा है, बारिश पड़ गई है दोस्तों दिल्ली में, तीन चार दिन से धीरे धीरे बारिश पड़ रही है, क्योंकि सावन का महीना तो चल ही रहा है, और अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो ऑटो चला के आ गया था, मैंने सोचा भाई चलो एक ब्लॉग बनाते हैं, क्योंकि दो तीन दिन में एक ब्लॉग डालना ज़रूरी होता है यूट्यूब फेसबुक पर। तो दोस्तों बहुत एक खुशखबरी की बात और देना चाहूँगा, ब्लॉग पूरा देखना दोस्तों, क्योंकि यहाँ तक एक साल में यहाँ तक पहुँचाने में जो आपका हाथ रहा है ना, वो शायद हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों यूट्यूब को लगा कि भाई मैंने मेहनत करी है और काम कर रहा हूँ, कंटिन्यू काम करता हूँ, अभी ऑटो चला के आया हूँ और ये ब्लॉग भी बना रहा हूँ। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है, आपको धन्यवाद, शुक्रिया। 1 लाख सब्सक्राइबर मेरे होने वाले हैं, यानी कि हमारा सिल्वर बटन आने वाला है दोस्तों। ये मेरी इतनी प्यारी सुंदर सी जगह है, एक कहते हैं ना एक स्टूडियो तो दोस्तों हमारे पास अभी है नहीं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। जब पैसा आएगा ना धीरे धीरे, यूट्यूब से पैसा आएगा हमारा, तो हम स्टूडियो भी बना लेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जगह नहीं बोलूँगा दोस्तों मैं कभी ज़िंदगी में, क्योंकि ये जो जगह है ना मेरी इतनी फेवरेट है कि कभी मुझे बोलना भी नहीं आता था, तो मैं चुपचाप यहाँ आता था अकेला और बैठ जाता था, माइक ऐसे पकड़ लिया, हाथ में ही पकड़ लिया, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करना जिसे बोलते हैं, तो मैं वो किया करता था ये इस लोकेशन पे। और अभी तो फ़िलहाल में ऐसा है कि अभी तो हमें तुम कहीं पे भी खड़ा कर देंगे तो वहीं पे ब्लॉगिंग चालू कर देंगे। यूट्यूब पर भाई इतना है कि जो इज्जत आज मुझे मिल रही है ना, एक साल पहले नहीं थी, समझ रहे हो, एक साल पहले वो इज्जत नहीं थी। लोगों को लग रहा है भाई मेरी मेहनत फल रंग लाई है, तो लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई अब लड़का कामयाब हो गया है और पैसा भी आएगा और दबा के आएगा, ऐसी बात नहीं दोस्तों। ये बात हकीकत है कि पैसा तुम सरकारी नौकरी क्या और कहीं पे भी काम कर लेना, पैसा इतना है कि अभी तो हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ है, और रुक जाओ साल दो साल तीन साल के अंदर पैसा देखना, चार साल के अंदर यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और सब कुछ आपके सामने ही होगा, ना कि मैं दिखाऊंगा नहीं, पैसा भी दिखाएंगे कितना आएगा। यही तो भाई राज है यूट्यूब का, कि यूट्यूब ना कभी भेदभाव नहीं करता किसी के साथ में, समझ रहे हो, यूट्यूब कभी भेदभाव नहीं करता है कि भाई उसको ज़्यादा दे दो उसको कम दे दो, नहीं, सभी क्रिएटर्स जितने भी यूट्यूब पर छोटे से बड़े तक जितना ईमानदारी से पैसा बनता है ना, उतना पैसा भाई ईमानदारी से यूट्यूब देता है, समझ रहे हो। लोकेशन दिखाता हूँ पहले फ्रंट कैमरा करके ना, ये देखो भाई लोकेशन देखो, ये हमारे यहाँ पे ना सहारनपुर हाईवे बन रहा है सामने सीधा, ये सहारनपुर हाईवे बन रहा है और उसके नीचे टंकी है पानी की, जो मैं अपने वीडियो में बताता था। लोकेशन देखो कितनी अच्छी आ रही है भाई, समझ रहे हो, लोकेशन में बड़ी प्यारी आ रही है दोस्तों, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है क्योंकि बारिश हो गई है यहाँ पे अभी। मैं
जूते भी मेरे ख़राब हो गए, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, जूते तो धुल जाएंगे, लेकिन ब्लॉग हमारा ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने घर, क्योंकि गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी और सुबह से शाम तक जानते हो थकावट हो जाती है भाई, पूरे दिन अभी ये ब्लॉग को एडिट करना है, टाइटल थंबनेल ये वो, घर में दूध पानी चाय चीनी, अभी लड़की को डांस क्लास छोड़ के आए हम, समझ रहे हो, टेंशन बहुत ही होती है, काम भी बहुत होते हैं, लेकिन ये काम मैंने सब कुछ बंद कर दूंगा, लेकिन ये नहीं कर सकता कम, समझ रहे हो। तो चलते हैं दोस्तों, छोटा सा ब्लॉग है, पूरा देख लेना, अच्छा लगे तो कमेंट शेयर करना भाई। दोस्तों कहीं गलती मेरे से हो जाती है ना, तो प्लीज़ उसे भूल जाया करो और थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो, पता लगेगा मुझसे कि मैंने क्या गलती करी, क्या बोला हूँ क्या नहीं बोला हूँ, क्योंकि हम जितना जानते हैं इतना शायद एक साल में हमने कोई गलती तो करी नहीं है, अगर गलती करी होती तो YouTube भी चैनल मोनेटाइज नहीं करता। तो दोस्तों कहने का मतलब ये, आप लोगों को कोई गलती लगती है हमारी कि हम गलत बोलते हैं या गलत कुछ कर रहे हैं, तो भैया उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ब्लॉग पूरा देखना, अच्छा लगे तो कमेंट शेयर करना दोस्तों चलते हैं अपने ऑटो की तरफ, अपना ऑटो ऊपर खड़ा है, दो तीन रील जो है शूट करनी थी, अपनी ही आवाज़ में करनी थी तो कर ली है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, अभी समय भी 7:30 बज रहे हैं। लोकेशन तो बड़ी प्यारी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे खुला आसमान है, तो बड़ी प्यारी लोकेशन आ रही है, जी तो कर रहा है और दो तीन ब्लॉग शूट करूँ, बनाऊँ, बताऊँ, दिखाऊँ कि भाई अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें प्यार है तो यूट्यूब से है और किसी से नहीं है, क्योंकि एक यूट्यूब ही एक सहारा बन गया है दोस्तों हमारा, क्योंकि लग रहा है कि भाई यहाँ से हम कामयाब होना चाहते हैं तो वहीं काम करेंगे ना, वहीं पे बात करेंगे ना। अब मुझे नीचे भी देखना पड़ रहा है दोस्तों, ये मत कहना कि कैमरे की तरफ नहीं देख रहा, क्योंकि यहाँ पे ऊंचा नीचा है ना, तो थोड़ा चढ़ाई ज़्यादा है, यहाँ पे चढ़ नहीं पाते, मतलब देख के चलना पड़ता, नहीं तो गिर जाएंगे, कैमरा फैमरा सब टूट जाएगा हमारा। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है, ये हमारे यहाँ की जमुना जी है, जमुना जी देख रहे हो, ये हमारी जमुना जी की, और मैं वहाँ पर शूट कर रहा था अभी। तो ये ब्लॉग जो है ना पूरा देख लेना दोस्तों, ये अपना ऑटो आ गया है, ये अपना ऑटो आ गया है, तो अभी मैं वहाँ पे शूट कर रहा था वीडियो, ठीक है, अभी मेरा ये सब ताम झाम यहाँ रखा हुआ है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देख लेना प्लीज़ दोस्तों, अभी हम चलते हैं घर, जय हिंद जय भारत दोस्तों, बाय।